अब क्या इस तरीके के बयान और बदलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं? बहरहाल लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं और ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी, ये बीजेपी संगठन जाने। लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी लोकसभाओं को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास के लोगों को क्या राहत देने वाली है, जिसके दम पर मध्यम वर्गीय वोट बैंक फिर से मोदी बैंक यानी कि बीजेपी की वोट में जमा हो जाए, इसके लिए बजट का सहारा लिया जा सकता है। तो जरा देखिए आने वाले मोदी सरकार के अंतरिम बजट में मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या कुछ हो सकता है। ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बजट में आमजन को कई बड़ी राहत दे सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो लोग 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वर्तमान में जिन लोगों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए तक की है वो टैक्स स्लैब में नहीं आते, जबकि 2.5 से 5 लाख के बीच की सालाना कमाई पर 5% का टैक्स लगता है। वहीं जिन लोगों की सालाना कमाई 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है वो 20% टैक्स स्लैब में आते हैं, जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगता है। इसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें 5 लाख रुपए सालाना इनकम पर टैक्स छूट दी जाती है। टैक्स स्लैब को सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। ये टैक्स स्लैब किसी भी स्थिति में आगामी डायरेक्ट टैक्स कोड के अनुरूप होंगे, हालांकि इनमें समस्या भी आ सकती है। दरअसल डायरेक्ट टैक्स कोड रिपोर्ट के आने से पहले आम बजट आ जाएगा। रिपोर्ट जारी होने से पहले टैक्स स्लैब से छेड़छाड़ इसे विवादास्पद बना देगा। नए डायरेक्ट टैक्स कोड के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कर निर्धारित SSC को टैक्स स्लैब में लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 5 लाख रुपए की सालाना कमाई करने वालों के लिए एक और तोहफा देने की योजना बनाई है। दरअसल सरकार ने पिछले साल 5 लाख रुपए की कमाई करने वालों के लिए सालाना 15,000 रुपए तक के मेडिकल खर्चों और 19,200 रुपए तक के परिवहन भत्तों को हटाकर उसकी जगह 20,000 रुपए की मानक कटौती की थी, लेकिन अब सरकार इस पुराने स्ट्रक्चर को बहाल कर सकती है। हालांकि इससे मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उत्साह जरूर बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को लुभाने में जुटी हुई है और इसी के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव का विचार किया जा रहा है। दरअसल मध्यम वर्ग के लोगों को बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में टैक्स की मार की वजह से इस वर्ग के लोग सरकार से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।